ओके वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डिफेंस फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे और एज यूजुअल आज हम जीके के पोर्शन को कवर करेंगे और हम जिस तरीके से इस पोर्शन को कवर कर रहे हैं सबसे तो पहली बात तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेनी ज़रूरी हैं दिस ऑल सेगमेंट इज़ डेडिकेटेड टू मिशन आर आई एम सी यानी कि जून में होने वाले एग्ज़ाम आर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं इसके थ्रू आपकी कहीं ना कहीं मदद रहेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप काबिल हो सकेंगे खासतौर पर जी के के जी के में भी हम वन बाय वन डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस आर के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं तो पिछली बार हमने फर्स्ट इन द फर्स्ट इन इंडिया फीमेल देखा था यानी कि भारत में पहली महिला किसी भी मामले में या किसी भी तरीके से जो अचीवर रही हों उनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की थी उम्मीद करता हूँ आपको वो जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी आज हम इसमें इंडिया में ही पहली बार किसी मेल ने अगर कोई अचीवमेंट किया है या कोई भी इस तरीके का काम किया है जो जानने लायक है तो हम उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस इन अ क्विज फॉर्मेट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं तो आज के सेगमेंट को भी शुरू करते हैं उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ हमारे कितने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं तो योम दिड़ची आ चुके हैं सबसे पहले और पहला लाइक भी कर चुके हैं थैंक यू यूम सृष्टि इज ऑल्सो ईयर आई एम फाइन सृष्टि डू यू रिमेंबर मी कह रही हैं सृष्टि नाम तो याद आ रहा है वो बहुत पहले शायद मैंने देखा होगा या फिर हम बीच में जब ये गैप हुआ था हमारा लाइफ का उससे पहले आप शायद रहती होंगी अनिरुद्ध भी आ चुके हैं गुड इवनिंग कह रहे हैं भावेश सिंह रावत भी आ चुके हैं हमारे एम से दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का रिजल्ट कब आएगा इससे रिलेटेड सूरज सर आपके सामने एक वीडियो शायद ला चुके हैं या लाने वाले हैं आप देख लीजिएगा मुझे ऐसा लगता है सूरज सर ने एक वीडियो आपके सामने पेश किया हुआ है आप हमारे चैनल को अगर देखने लगाता है तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा लेखा श्री कुमार हैज़ ऑल्सो ज्वाइनडस गुड इवनिंग सर कह रही हैं तो चलिए हमारे साथ काफ़ी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी एक एक लाइक भी अपनी तरफ से कर ही देंगे लेखा श्री कुमार नाम से अश्वती हैं याद आ गया मुझे सॉरी पिछली बार भी आप आई थी याद है तो इतने बच्चे हैं और शुरू करने में पहला सवाल भी हमारे सामने मौजूद है वट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे पहला सवाल हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल टू रीच स्पेस भारत की तरफ से पहले भारतीय पुरुष कौन थे जो स्पेस में गए थे या कह सकते हैं कि अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसको पार करके स्पेस में उन्होंने अपनी एंट्री ली थी वो एक पूरी कहानी है लेकिन उन पहले इंडियन मेल का नाम आपने बताना है जो कि इन ऑप्शनस में दिया गया है राकेश शर्मा कल्पना चावला सुनीता विलियम्स एंड विक्रम सारा भाई तो थोड़ा सा ऑप्शन में एक गड़बड़ ये है कि देखिए कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स तो फीमेल है तो इस लिहाज से कम ही ऑप्शन रहते हैं और वैसे भी आप सभी को पता होगा ये बहुत आसान सा सवाल है हम शुरुआत करते हैं कुछ ईजी क्वेश्चन से जैसे कि आप सभी लोग आंसर भी दे चुके हैं तो चलिए योम ने सबसे पहले हमें सही जवाब दे दिया तो एक बच्चे का नाम लिखूंगा और बाकी बच्चों का नाम बोलूंगा। फर्स्ट में जिसका कमेंट आ गया उसके नाम जाएगा क्वेश्चन सो so, ईओम के नाम जाता है उन्होंने राकेश शर्मा ये सही जवाब दिया इंडियन एयरफोर्स के आ, मेंबर हैं राकेश शर्मा या मेम्बर रहे थे और इन द ईयर 1984 उन्होंने स्पेस यात्रा की थी स्पेस में अपनी रीच पहुंचाई थी वॉज अ पार्ट ऑफ इंडो सोवियत मिशन दरअसल सोवियत यूनियन जो अब जिसका एक बड़ा हिस्सा रशिया बन चुका है उसका एक स्पेस मिशन था जिसमें इंडियन कॉस्मोनॉट uh, के तौर पर उन्हें भी एंट्री मिली थी और इस लिहाज से 1984 में वो सोवियत स्पेस शिप में यात्रा करके पहले भारतीय बनते जिन्होंने पेश में अपनी यात्रा की थी आप सभी इस बात से अवगत होंगे ही तो इओम ने इसका सही जवाब तो दिया है सबसे पहले लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध हैं सृष्टि हैं अश्वती हैं भावेश हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है और अनिरुद्ध ने तो एग्जैक्ट डेट भी बता दिया सो वेल well डन अनिरुद्ध जो बच्चे एक्स्ट्रा और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे उनका भी यहाँ पर नाम लिखा जाएगा इस तरीके से मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉमेशन गेन करके हमारे साथ भी शेयर करें इस बहाने आप भी उस चीज़ को पढ़ लेंगे ओके तो एक तरीके की ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्विज तो अनिरुद्ध कहते हैं थर्ड अप्रैल 1984 को ये कारनामा हुआ था और बाकी जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो तो आपको मालूम होनी ही चाहिए विंग कमांडर रहे हैं थैंक यू भावेश ने भी बताया विंग कमांडर राकेश शर्मा ने यह काम कर दिखाया था तो भावेश का भी नाम लिख लेते हैं ठीक है तो आज आप ये मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि सर जल्दी जल्दी आगे बढ़िए एक एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा टाइम दे करके समझने की कोशिश करेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल सके तो अदरवाइज जो क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जिसमें सिर्फ ऑप्शन बता करके काम चल जाता है तो उनमें हम सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे ओके इंडो सोवियत मिशन थैंक यू चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दूसरा सवाल पूछ रहा है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत की तरफ से पहली बार किसी पुरुष या मेल ने सबसे पहले गोल्ड मेडल या ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तो उनका नाम क्या है अभिनव बिंद्रा मिल्खा सिंह लियंडर पेश एंड ध्यानचंद फर्स्ट इंडियन मेल ये याद रखिएगा एंड इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यानी कि अकेले इंसान ने जो मेडल जीता होता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है तो उसके इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर दीजिएगा का नरेंद्र प्रसाद ने कहा है मिल्खा सिंह योम ने भी यही कहा है दृष्टि ने टू का एन लिखा है अच्छा आप सभी ने बी आंसर दिया है ठीक है मिल्खा सिंह इन गोल्फ नो 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 मिल्खा सिंह तो फ्लाइंग सिख कहलाते हैं भाई वो तो प्रिंटर थे रेस करते थे उत्कर्ष करने में लेट हो गया अभी ज्यादा देर नहीं हुई है तो सेकंड क्वेश्चन है अश्वती ने कहा है सेकंड का ए और बिल्कुल सही कहा है इसके अलावा अनिरुद्ध ने भी कहा है तो चलो पहले अश्वती ने आंसर दिया इसलिए मैं उनका नाम लिखता हूं तो फर्स्ट इंडियन मेल देखिए क्या क्या चीजें हैं पहली बात तो देखिए ओलंपिक मेडल से काम नहीं चलेगा गोल्ड मेडल जीता होना चाहिए किसने जीता होना चाहिए भारत के एक मेल इंसान ने जीता होना चाहिए और तीसरी कंडीशन है कि इंडिविजुअल मेडल होना चाहिए एक टीम एफर्ट के तौर पे तो हम हॉकी में बहुत पहले से गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं है ना <coughs> तो इस लिहाज से अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर और अगर हम बताएं कौन से टाइम की बात है ये तो टू में बीजिंग में हुए ओलंपिक्स में उन्होंने ये सॉरी मेडल <coughs> जीता था ठीक है तो ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और भी अगर आपको शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं अगर वो रेलिवेंट लगी तो आपका भी यहाँ पर नाम लिखा जाएगा अभिनव बिंद्रा टू थाउजेंड बीजिंग ओलंपिक शूटिंग इवेंट सॉरी सर आई रोड कहें अच्छा तो अश्वति के अलावा फिर मैं देखूँ सेकेंड का ये अनिरुद्ध ने बताया है और भावेश ने बताया है मैन टेन मीटर शूटिंग इन्होंने कहा है कंफर्म कर लीजिएगा सभी लोग तो भावेश ने एक अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है इनका नाम इसके अलावा 2008 ठीक है अनिरुद्ध ने भी 2008 कहा नरेंद्र ने भी 2008 कहा चलो अनिरुद्ध और नरेंद्र का भी नाम लिख लेता हूँ हालांकि मैंने भी ये बात बता दी थी तो अगली बार से मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तभी दूंगा जब आप लोग नहीं बता पाएंगे तो थोड़ा मैं वेट करूंगा ओके दिस क्वेश्चन गोज टू दीज मेनी पीपल अश्वती द फर्स्ट वन हुज गिवन द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन Who was the first Indian male to receive the Nobel Prize in physics? तो so, physics में Nobel Prize जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे उनका नाम आपको बताना है And there are some options: C.V. Raman, S. Chandrasekhar, Har Hargovind Khurana and Venkatraman Ramakrishnan. Ramakrishna. ये चार option है जल्द से जल्द option चुनिए और उनसे related other information भी अगर आप दे सकेंगे तो बहुत बढ़िया है इलेवन पीपल आर लाइव राइट नाओ मौका मिले तो ज़रूर लाइक like भी कर दीजिएगा कुछ बच्चों ने अपने कॉमेंट डिलीट किए हैं जो कि मैं देख चुका हूँ यूना गोल्ड मेडल कहनी है अश्वती पिछले क्वेश्चन का आंसर ठीक है वो तो हमने क्वेश्चन में भी पूछा है एम दिर्ची का कहना है थर्ड का ए सी वी रमन और यस दिस इज द राइट आंसर तो सी वी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन इज द राइट आंसर दैट इज प्रोवाइडेड बाई योम सबसे पहले इनके अलावा अगर मैं देखूं तो अश्वती ने सृष्टि ने अनिरुद्ध ने सही जवाब दिए हैं और भावेश सिंह रावत ने भी सही जवाब दिए हैं सबसे पहले अनिरुद्ध एडिट्स कहते हैं कि उन्होंने 1930 में ही अवार्ड जीता था तो दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थैंक यू अनिरुद्ध और उसके बाद अगर हम देखें इन फिज़िक्स कह रहे हैं तो फिजिक्स तो ऑप्शन में वहाँ पर क्वेश्चन में ही मैंशनड uh, है इवन द मेडल विथ सी राजगोपालाचारी नोबल प्राइज़ की बात हो रही बेटा तो सी राजगोपाल आचार्य जी को कभी नोबल प्राइज़ नहीं मिला था इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑनर और फिजिक्स के फील्ड में मिला है नोबल प्राइज सी राजगोपाल आचार्य वॉज नॉट नोन फॉर साइंस वो पॉलिटिशियन थे एक तरीके से या सोशल वर्कर थे सी वी रमन वन इन 1930 थर्टी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू वन नोबल प्राइज बट ही गॉट इन लिटरेचर ये भी अनिरुद्ध ने बताया है ठीक है आप सभी ने इन्फॉर्मेशन दी है मैं आपको बता दूँ इसके अलावा आप इसमें बता सकते थे कि उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनिना के आधार पर और जिसे खास नाम दिया गया आफ्टर हिज नेम रमन इफेक्ट कहते हैं इस चीज़ के लिए इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था along with सम अदर साइंटिस्ट जो कि बाहर देश के हैं मतलब भारत से बाहर के हैं रमन इफेक्ट एक तरीके का ऐसा इफेक्ट है जिसमें लाइट इंटरैक्ट करती है मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स आप सभी जानते होंगे एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं और ये एटम के बाद दूसरा लेवल होता है जहाँ पर आप एक तरीके से बहुत uh, uh, ऐसे आर्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं जो किसी भी मैटर को बनाने के लिए ज़रूरी है मतलब दुनिया में जो भी मैटर है उसका सबसे छोटी यूनिट एक एटम होता है और एटम जब जुड़ते हैं तो वो फर्स्ट थिंग मॉलिक्यूल बनाते हैं मॉलिक्यूल जब बहुत बड़े लेवल पर जुड़ते हैं तो फिर एक मैटर या कोई भी चीज़ जो आप अपनी दुनिया में देख रहे हैं वो सब कुछ बनती है तो रमन इफ़ेक्ट के तहत उन्होंने बताया था कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है ऑन अ मॉलिकुलर लेवल तो वो एक खास तरीके का इफ़ेक्ट छोड़ जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बिकॉज ऑफ द लाइट वाइब्रेट करते हैं खास ख़ास तरीके से और लाइट के मोलिक्यूल से होने वाले इस इंटरेक्शन की वजह से एक सडन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उनके वाइब्रेशन और फ्रीकवेंसी को प्रभावित करता है यानी कि विद द इफेक्ट ऑफ लाइट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट डिफरेंटली एंड दिस इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय रमन अलोंग विद सम अदर साइंटिस्ट एंड रमन इफेक्ट ही इसको नाम दिया गया बिकॉज द पायनियर फॉर डिस्कवरिंग दिस इफेक्ट इज सी वी रमन तो ये भी आपको पता होना चाहिए दिस इज द इन्फॉर्मेशन देखिए क्विज के साथ आपको थोड़ी पढ़ाई भी हम इसी तरीके से कराएंगे आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल हमारे सामने आ चुका है यहाँ पूछा गया है हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द बुकर प्राइज बुकर प्राइज़ अगेन एन इंटरनेशनली रिनोम्ड प्राइज़ और भारत की तरफ से किस व्यक्ति को मिला था सबसे पहले बुकर प्राइज़ उनका नाम आपको बताना है यानी कि हम मेल की बात कर रहे हैं फ़र्स्ट मेल हु रिसीव द बुकर प्राइज नरेंद्र प्रसाद कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लिखा इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि 1930 अनिरुद्ध ने और योम ने पहले ही बता दिया था तो अनिरुद्ध का नाम लिखा मैंने ईम का नाम इसलिए लिखा था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आंसर दे दिया था ठीक है गेमिंग विथ इशू आ चुके हैं वरधान आ चुके हैं सर आई एम द फर्स्ट लाइकर करें अनिरुद्ध ठीक है ऐसा दावा योम ने भी किया था नरेंद्र प्रसाद का कहना है फोर्थ का बी हम लेकिन यहाँ पर <laughs> थोड़ा सा कैची सिचुएशन होगी नरेंद्र आपके लिए मेल की बात करें अरुंधति रॉय इज अ फीमेल पर्सन मतलब वो महिला है। तो योम दिची ने कहा है सलमान रशदीद दैट इज़ क्वाइट करेक्ट इन दिस केस अगेन दिस आंसर गोज टू योम सलमान रशदी ने मिडनाइट चिल्ड्रन नाम से एक फिक्शनल नावल लिखा था जिसकी वजह से उन्हें नो सॉरी बुकर प्राइज मिला था और अगर मैं बात करूँ कि किस साल मिला था तो इन द ईयर 1981 ही रिसीव दी मैन बुकर प्राइज एक आ, इसमें ट्रिकी इंफॉर्मेशन ये भी है कि सलमान रशदी को जिस दिन या जिस समय यानी कि इन द ईयर नाइनटीन बुकर प्राइज मिला था एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन ओके ये बात ध्यान रखिएगा सलमान रजदी कई सारी कॉन्ट्रोवर्शियल वजहों से भी जाने जाते हैं खासतौर पर रिलीजन को आहत करने के लिए उन्हें देश से बाहर भी जाना पड़ा था इस्लाम से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी थी जिससे कि एक तरीके का आक्रोश या एक तरीके का गुस्सा इस्लामिक कम्युनिटी या इस्लामिक फेथ को मानने वालों के बीच में हो गया था और उनकी जान पर भी बनाई थी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ही लेफ्ट इंडिया एंड ऑल्सो लेफ्ट द इंडियन सिटीजनशिप एंड गेंड द ब्रिटिश सिटीजनशिप बट क्योंकि उन्हें बुकर प्राइज़ मिला है और यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में वही हैं कैसे फर्स्ट मेल हैं और साथ ही साथ इंडिया के भी रह चुके हैं सिटीजन इसलिए हमने उनका नाम यहाँ पर मैंशन किया है इसके अलावा एक और इंसान है जिनको बुकर प्राइज़ मिला है और वो भी सलमान रशदी से पहले इनका नाम है वी एस नाइपॉल और इन्हें नाइनटीन सेवेंटीज़ के दौर में आई थिंक नाइनटीन सेवेंटी वन में ये प्राइज़ मिला था वी एस नाइपॉल भी इंडियन ओरिजिन के हैं तो यहाँ पर एक बात ध्यान से आप लोगों को समझनी पड़ेगी वी एस नाइपॉल ट्रेनेडाड में पैदा हुए थे जो कि इंडिया से बाहर है मगर इनके जो पेरेंट्स थे या इनके जो फोर फादर थे वो इंडियन से हुआ करते थे तो भारत के ही लोग जब भारत से बाहर जा के बसे उनके जब बच्चे हुए उन्हीं में से एक ऐसे एग्जाम्पल वी एस नाइपॉल का भी है ही वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्दो ही वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन लेकिन नाइनटीन में इनको भी बुकर प्राइज़ मिला था तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु ऐस द फर्स्ट इंडियन मेल ऑफ इंडियन औरिजिन हु रिसिव्ड द मैन बुकर प्राइज देन द राइट आंसर विल बी वी एस नाइपॉल और अगर आपसे पूछा जाए हु फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द बुकर प्राइज़ तो फिर आंसर होगा सलमान रजदी सलमान रजदी कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे हैं वी एस नाइपॉल इंडिया के सिटीजन नहीं रहे हैं वो इंडिया के आ, बन, इंडिया से उनका नाता है कि उनके फोर फादर इंडियंस थे तो इंडियन ओरिजिन का उन्हें माना जाता है आई थिंक आप अब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन, इन इन्फॉर्मेशन में ईओम ने इसका आंसर दिया फोर्थ का ए इसके अलावा सृष्टि ने इसका आंसर दिया अनिरुद्ध ने दिया गेमिंग विथ ईश ने दिया सृष्टि ने कहा 1981 तो चलो सृष्टि का भी नाम लिख लेते हैं हालांकि मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी है बट ठीक है टोबैगो अनिरुद्ध ने कहा है ठीक तो है अनिरुद्ध का भी नाम लिख लेते हैं और यहाँ पर एक और खास चीज मुझे याद आ गई एवं देरची ने दो या तीन क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए तो उन्हें एक स्टार मिल जाना चाहिए आगे बढ़ता हूं मैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पांचवा सवाल हमारे सामने आ रहा है क्या पूछ रहा है हमसे हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अब नोबल प्राइज बहुत सारे भारतीयों ने जीते होंगे लेकिन ऐसे पहले भारतीय ऐसे पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबल प्राइज जीता उनका नाम आपको बताना है एंड हेयर आर सम इन फ्रंट ऑफ यू अमर्त्य सेन अभिजीत बनर्जी मनमोहन सिंह एंड रघुराम राजन कभी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के फील्ड से जुड़े हैं और इनमें से दो तो ऐसे नाम हैं जिन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो उस लिहाज से बताइए कौन सा है वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले जीता फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चे क्या देते हैं आप मेरा नाम नहीं लिखते कह रहे नरेंद्र प्रसाद शुभम अंबदास देखो नरेंद्र प्रसाद किन किन का नाम लिखा जाता है इस बच्चे ने सबसे पहले सही जवाब दिया है इसलिए इसका नाम लिख दिया गया है पहली बात उसके बाद सही जवाब देने वालों में अनिरुद्ध हैं अश्वती हैं भावेश हैं वरदान हैं सृष्टि हैं ठीक है, 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 है? उत्कर्ष हैं इन सब बच्चों का नाम नहीं लिखा है इन्होंने सही जवाब दिया है ठीक है उसके बाद भावेश सिंह रावत कह रहे हैं 1998, यानी कि वो बता रहे हैं कि अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर नाइन्टीन इट इज़ अ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए भावेश का नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा आप समझते चलिए दोबारा मुझसे शिकायत मत कीजिएगा मेरे किसी बच्चे से कोई दुश्मनी तो है नहीं भाई जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अप्रिशिएट आप लोग भी इंकरेज हो सकें अनिरुद्ध तो कह रहे सर आई थॉट इट इज़ फर्स्ट इंडियन बट इट इज़ फर्स्ट मेल ठीक है अनिरुद्ध आप समझ गए भावेश सिंह रावत कहते हैं उसके बाद एंड भारत रत्न इन 1999 तो इन्होंने दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी भाई 1998 में नोबेल और 1999 में इनको इंडिया का हाइएस्ट सिविल ऑनर भारत रत्न भी दिया गया है नोबेल प्राइज़ जो कि इंटरनेशनली एक रिनोम्ड प्राइज़ है वो तो मिला ही है भारत का भी मिला है भावेश ने ये भी बात बताई है और अगर मैं देखूं तो सर आई रोड फाइव ए बट इन चलो जो भी कह रहे हो आप योम ने भी यही कहा है अब नरेंद्र प्रसाद ने भी ये कहा है लेकिन आपसे पहले एक बच्चे ने ऑलरेडी ये बता दिया था उनका नाम नहीं लिखा जाएगा नरेंद्र ये है बात 1998 और अराउंड फॉर सम सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज अच्छा अच्छा अब ये एक आप चाहते नरेंद्र तो इसमें एक और बात बता सकते थे कि उन्हें इकोनॉमिक्स में किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला अगर आप वो बता देते तो आपका नाम आता उन्होंने इकोनॉमिक साइंसेज साइंसेज क्या है इकोनॉमिक साइंसेज देखिए अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी पैसों का लेन देन और उसे चलने वाला पूरा का पूरा सिस्टम इसने किसी तरीके रूल्स और पैटर्न को फॉलो करता है और इस तरीके के पैटर्न इस तरीके के रूल्स को बताना एक तरीके से इकोनॉमिस्ट का काम होता है तो अमर्त्य सेन ने एक नई तरीके की साइंस एक नई तरीके की पैटर्न की खोज की एक तरीके से इकोनॉमिक्स के फील्ड में चल रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनारी को एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक साइंसिस नाम से और ये एक अपने आप में नई बात थी वो भी नाइनटीन में इसलिए उनको इकोनॉमिक के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था अगर आप ये इन्फॉर्मेशन बता देते तो आपका नाम मैं लिख लेता एक बच्चे ने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी उसके बाद दूसरे बच्चे ने भी वही इन्फॉर्मेशन बताई तो जिसने पहले बताई उसका नाम लिखा जाएगा आई थिंक नाउ इट इज क्लियर अगले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो फिफ्थ हो गया सिक्स क्वेश्चन है छठा सवाल हमसे पूछ रहा है हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट दर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप सबसे पहली बात है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इसी इंडियन ने कौन इंडियन जो कि मेल हो सबसे पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता वो कौन है पीटी टी उषांजुबा भी जॉर्ज नीरज चोपड़ा विकास गौड़ा इसमें से कुछ नाम तो एलिमिनेट हो गए क्यों क्योंकि यहाँ पर मेल लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है मैंने देखा पिछली बार भी कई बार आपने ऐसे कॉमन सेंस का यूज नहीं किया और ऐसे आंसर दे दिए कि फ़ीमेल के बारे में पूछा गया आप अपने आंसर में मेल के बारे में बता रहे हैं तो ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए ठीक है जल्दीबाजी में आंसर देने की वजह से आप उन ऑप्शन को बिल्कुल चूज मत कर दीजिए जो बिल्कुल हो नहीं सकते यहाँ पर एलिमिनेट कीजिए उन ऑप्शन को उसके बाद सही जवाब की तरफ आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं तो ये तो बहुत लेटेस्ट है योम दिरची का कहना है फिर से नाइन्थ सॉरी सिक्थ का सी है एंड यस ओम का आंसर सही है तो नीरज चोपड़ा ने यह कारनामा कर दिखाया और अब सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे आ, कीर्तिमान या ऐसे अचीवमेंट गेन कर चुके हैं अनिरुद्ध ने वर्धमान ने सॉरी वर्धान ने सृष्टि ने भावेश ने सही जवाब दिए हैं सैयद अफरीद और अश्वती ने गलत जवाब दिया है बॉबी जॉर्ज फीमेल है बेटा ठीक है इसके बाद योग ने सर जैवलिन थ्रो में दिया है ये भी बता दिया बिल्कुल सही बात है भावेश ने भी बताया है उत्कर्ष ने भी बताया है नरेंद्र ने भी बताया है सही जवाब तो आपके नाम मैंने ले लिए हैं ठीक है इफ यू हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन देन यू कैन शेयर विथ अस अदरवाइज आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेवंथ वन हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप इन बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एक तरीके से समझा जा सकता है उसमें भारत की तरफ से पहले मेल कौन थे जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता था किदम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन प्रकाश पादुकोण या पुलेला गोपीचंद दीज आर दी ऑप्शन देखते हैं क्या बताया है बच्चों ने नरेंद्र प्रसाद ने कहा इन जेवलिन थ्रो रावत ने कहा 2023 में जीता नरेंद्र ने भी 2023 का तो पिछले क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले जैवलिन थ्रो योम ने ही बता दिया था उसके बाद नरेंद्र ने बताया लेकिन भावेश ने 2023 पहले बताया तो उनका नाम भी आना चाहिए था ठीक है इस तरीके का सर आप नाम नहीं लिखते नहीं लिखते बेटा हम जो देते हैं टाइम से उनका लिख देते हैं तो सेवन्थ का आपने अभी सी बोला है तो अब आपका नाम लिखा जाएगा नरेंद्र देखो आपने सबसे पहले सही जवाब दिया प्रकाश पादुकोण हैं जिन्होंने भारत की तरफ से पहली बार एज अ मेल ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी और इस लिहाज से अब नरेंद्र का नाम आ जाएगा यू कैन देखो रूल्स के हिसाब से अगर मैं काम करूँगा तो बिल्कुल आप जब डिज़र्व करते हो कि आपका नाम लिखा जाएगा मुझे लगता है आपको ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए फॉर विच ही हैज़ वन एज दी गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स अच्छा ठीक है तो ये बात किसने लिखी थी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया हाँ अश्वती मैं आपका नाम समझ गया हूँ थोड़ा सा बीच में विद द फ्लू नाम पढ़ते पढ़ते दिक्कत हो जाती होगी गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स उनको कहा जाता है इसके लिए कहा गया है तो ये सृष्टि के नाम फिर से यहाँ पर उजागर किया जाएगा क्योंकि उन्होंने एक नई इन्फॉर्मेशन दी है है ना तो क्विज को मैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आज इस फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आएगा नरेंद्र के बाद सही जवाब वरधान ने दिया है भावेश ने दिया है सैयद अफरीद ने दिया है शुभम अम्बरदास नहीं शुभम ने नहीं दिया है सृष्टि ने सही जवाब दिया है उत्कर्ष ने सही जवाब दिया है भावेश कहते हैं इन 2001 तो ये गलत बात है He was ranked one in 1980 ये ने कहा है ईम तो का भी यहाँ पर नाम लिखेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन इज बिन गई दी स्टूडेंट अब 2001 नहीं है भावेश 2001 में नहीं जीता प्रकाश पादुकोण ने 1980 लिखा है उत्कर्ष ने ईम तो ने भी बताया था लेकिन रैंक वन बताया था इस लिहाज से मैं अगर उत्कर्ष सिंह का भी नाम लिखूंगा तो चलेगा क्योंकि उत्कर्ष ने भी ठीक है हमको ईयर क्लियर कर दिया तो किस साल जीता भाई उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप को नाइनटीन में और इसी दौरान क्योंकि इन्होंने ये सबसे बड़ी चैम्पियनशिप जीत ली थी इसलिए उनको फर्स्ट रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड भी मान लिया गया द नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर बन गए वो एक तरीके से और ये प्रकाश पादुकोण आज के समय में बहुत फेमस अभिनेत्री हैं उनके पिताजी भी हैं दीपिका पादुकोण के फादर हैं ये ठीक है तो सेवन्थ से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक जरूरी थी सर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनका नाम मत लिखो जब मतलब रहेगा पहले अब आप मुझे मत बताओ मैं किसका लिखूं किसका ना लिखूं आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं बेटा हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन पुलित्जर प्राइज एक इंटरनेशनली रिल्यूम्ड प्राइज़ है फिक्शनल लिटरेचर के लिए पहला आ, पहली बार किस इंडियन मेल को ये प्राइज uh, मिला था ये आपको बताने जुम्पा लहरी अरुंधति रॉय विक्रम शेटन सलमान रस्तीज आर द नेम्स बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए सवाल भी नरेंद्र डोंट कम हियर विथ लॉट्स ऑफ डिमांड एंड जो शिकायतें आपकी कंप्लेन इरेलीवेंट है द मेन थिंग फॉर विच यू कैन अटेंड दिस कोर्स और दिस लाइव स्ट्रीम वो है कि आप नॉलेज गेन करें तो so, मुझे मत बताइए इसका नाम लिखिए उसका मत लिखिए वो मैं डिसाइड करूंगा किसका लिखना है किसका नहीं लिखना है इफ़ यू डोंट लाइक द फॉर्मेट यू कैन लीव स्ट्रीम ठीक है तो एट्थ का बी आपने कहा है अरुंधति रॉय थोड़ा देखो फिर वही कॉमन सेंस का अभाव है बेटा मेल की बात हो रही है अरुंधति रॉय फीमेल है योम दिर्ची ने कहा है विक्रम सेठ अच्छा शुभम अंबरदास सेलके हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया सलमान रशदी अगेन वही हैं जिनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है फिक्शनल नॉवेल के लिए ठीक है बुकर भी मिला है पुलित्जर भी मिला है तो शुभम का नाम यहाँ पर लिख लिया जाएगा ओके okay. जुम्पा लहरी को इन 2000 इन द ईयर 2000 मिला था ठीक कह रहे हैं उत्कर्ष चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उस आंसर से रिलेटेड नहीं है लेकिन ऑप्शन से रिलेटेड है तो उत्कर्ष का नाम भी यहाँ पर लिख लेते हैं बट द फर्स्ट वॉज गोविंद बिहारी लाल कह रहे हैं बट वो फिक्शनल नॉवल नहीं है बेटा वो जर्नलिज्म से रिलेटेड है ठीक है आई थिंक आगे क्वेश्चन भी आना चाहिए था फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग भारत की तरफ से पहली बार किसी पुरुष ने ओलंपिक मेडल जीता ओके okay? किस स्पोर्ट में बॉक्सिंग में तो उनका नाम क्या है आपको बताना है फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता उनका नाम बताइए इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम पुट कर सकते हैं so, सो विजेंद्र सिंह सुशील कुमार बजरंग पुनिया योगेश्वर दत्त कुछ ऑप्शन हैं अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जानकारी है तो डायरेक्ट यहां पर आपके सामने आंसर मौजूद है बिकॉज थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है जो मैं बाद में बताऊंगा लाइक्स Uh, की संख्या अकॉर्डिंग टू देंस नहीं बन पा रही है आई डोंट अंडरस्टैंड नरेंद्र प्रसाद मेडनाइ चिल्ड्रेन की किताब का नाम है ठीक है वो पहले बता भी चुका हूँ थैंक यू नरेंद्र और लहरी ने बाद में मिला है लेकिन उनको तो नाइन्थ का नरेंद्र प्रसाद का कहना है ए और देखो बिल्कुल सही जवाब है विजेंद्र सिंह वाज़ द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हु गॉट ओलंपिक मेडल ठीक है तो नरेंद्र का यहां पर फिर से नाम लिखेंगे और नरेंद्र ने दूसरा सही जवाब दिया अगर नरेंद्र इसी तरीके से सही जवाब देते रहेंगे तो उनको भी एक स्टार परफॉर्मर का दर्जा मिलेगा तो विजेंद्र सिंह इज द राइट आंसर इसके अलावा अनिरुद्ध ने सही जवाब दिया है अश्वती ने सही जवाब दिया है भावेश ने सही जवाब दिया है और सैयद अफरीद ने सही जवाब दिया है उत्कर्ष ने भी सही जवाब दिया है भावेश ने इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो कि नरेंद्र ने भी दी है लेकिन भावेश ने पहले दे दी है और क्योंकि नरेंद्र ने आंसर भी पहले दे दिया है तो उनका नाम तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं वो है विजेंद्र सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया था साल 2008 में अब अगर किसी को अपना नाम लिखवाना है तो बताइएगा साल दो के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे बॉक्सिंग की टर्म है नॉकआउट अच्छा इतना भी नहीं बता तैयद तो अफरीद ने भी यही जानकारी दी ही बॉर्न इन ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर नाइनटीन एट्टी फाइव उत्कर्ष ने कहा है चलो चलेगा क्योंकि द सेम पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपने दी है बॉक्सिंग की टर्म नरेंद्र प्रसाद ने कही है तो यही उनका नाम लिख चुका हूँ मैं सर एट क्वेश्चन में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया मेरा नाम नहीं लिखा तो आपसे पहले वो इन्फॉर्मेशन किसी और ने दे दी थी इसलिए नहीं लिखा बेटा बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा उत्कर्ष ही हैं जिन्होंने बता भी दिया तो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था ओके आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द नाइन्थ क्वेश्चन और शुभम अम्बदास ने डी आंसर दिया दैट इज नॉट द राइट आंसर टेंथ क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ दसवां सवाल देखिए हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द भारत रत्न इंडियाज हाइस्ट सिविलियन अवार्ड तो पहला भारत रत्न अवार्ड किस मेल को मिला था मिला काफी लोगों को था पहली बार में भी एक ग्रुप मतलब दो तीन लोगों को मिला था इसमें से एक नाम है जो फर्स्ट टाइम विनर है भारत रत्न अवार्ड के तो उनका नाम आपको यहां पर से चूज करना है ठीक है चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से बीजिंग ओलंपिक ठीक है वरधान का कहना है टेंथ का ए जवाहरलाल नेहरू नरेंद्र प्रसाद का कहना है सी लाल बहादुर शास्त्री अश्वती ने दिया है सबसे पहले सही जवाब टेंथ का डी इट इज सी राजगोपालाचारी गुड ये क्वेश्चन जाता है अश्वती के नाम इसके अलावा भावेश ने भी टेंथ का डी सही जवाब दिया है सर लाल बहादुर शास्त्री इज नोन एज पंजाब केसरी वेरी रॉन्ग पंजाब केसरी नहीं बोला जाता था बेटा लाल बहादुर शास्त्री को उनका पंजाब में थोड़ी बॉन्ड हुए थे पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय को बोला जाता होगा तो नरेंद्र गलत है ये इन्फॉर्मेशन उत्कर्ष ने भी सही जवाब दिया चलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो बताइए देर आर फोर्टीन पीपल लाइव राइट नाउ लेकिन लाइक्स मुझे कम दिख रहे हैं प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आ रही है इफ़ यू हैव स्विच्ड ऑन टू दिस स्ट्रीम एटलीस्ट एक लाइक like छोड़ करके ज़रूर जाइए थोड़ा सा अप्रीशिएशन आपको भी देना चाहिए एजुकेशनल कंटेंट को वरना दुनिया भर की हंसी मजाक की बातें तो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग रहती हैं लेकिन अगर आप एक लाइक इस तरीके की चीज़ों को करेंगे तो यू आर ऑल्सो प्रोमोटिंग सम एजुकेशनल कंटेंट एज वेल उस तरफ भी थोड़ा सा अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहे तो अच्छा रहेगा खैर टेंथ का डी इज द राइट आंसर अश्वती ने दिया इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं दी है तो अब मैं खुद दे देता हूँ इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी फोर गॉड दता सकते थे लेकिन आचार्य जी के साथ साथ और किस किस को मिला था ये अगर आप बताते तो ठीक है गुड इवनिंग सर जय हिंद करें श्रेयन अब जो लोग अलंकृता शर्मा नाम से भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं वेलकम श्रेयन पहले चलो ठीक है अभी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है मैंने आपको कहा ना लेकिन अब वो टाइम खत्म हो चुका है अब परमवीर चक्र इंडियाज हाइएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन भारत की तरफ से पहली बार परमवीर चक्र किस मेल को मिला था ये आपने बताना है अब्दुल हमीद सैम मोनिक शाह सोमनाथ शर्मा मनोज कुमार पांडे इनके कुछ न कुछ रैंक अपने आप में रहे हैं वो रैंक मैंने अभी नहीं दिए हैं एज एन इंडिविजुअल वो नाम लिखा हुआ है तो ज़रूर आपको ये भी पता करना चाहिए कि इनकी क्या क्या रैंक्स थी इनमें से सही जवाब कौन सा है जल्द से जल्द आप मुझे बताइए फिर देखते हैं किस बच्चे का नाम लिखना है एलैंथ का भावेश कहते हैं सी बिल्कुल सही बात है मेजर सोमनाथ शर्मा इज़ द राइट आंसर तो क्वेश्चन का सही जवाब दे करके भावेश ने तो बना ली है भाई अपनी जगह यहाँ पर और इसके अलावा नरेंद्र ने अलंकृता ने रेयन ने वरधान ने अनिरुद्ध ने अश्वती ने सैयद अफरीद जो हमसे जुड़े हैं गेमिंग विथ इशू जो हमसे जुड़े हैं इन्होंने भी सही जवाब दिए हैं जब भी आप जवाब दें तो क्वेश्चन का उसके आगे नंबर भी रखिए करिश्मा राज नाम से जो हमसे जुड़े हैं उन्होंने आंसर सी फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कह रहे जी नो अब सी डी एस की पोस्ट भी नहीं थी बेटा hmm. और ये सर लेट कर गुप्ता जी कोई बात नहीं बॉर्न ऑन अप्रैल थ्री अमृतसर ब्रिटिश इंडिया इफ बीम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थ्री चलिए सोमनाथ शर्मा जी के बारे में बताते तो बेटर रहता लेकिन चलो नरेंद्र बहुत शिकायतें आपकी रहती हैं तो चलो आपने इन्फॉर्मेशन दी है सैम मानिक शाह के बारे में बताइए ऑप्शन से रिलेटेड तो आपका नाम लिखना पड़ेगा वेरी गुड और कोई करिश्मा hmm. राज जी ने दूसरी बार में सही जवाब दिया लेकिन दो आप आंसर नहीं दे सकते बेटा ठीक है चलो बाकी इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडियन ईयर नाइनटीन फिफ्टी उनको ये अवार्ड मिला था और पोस्टमसली मिला था बिकॉज उनकी मृत्यु हो गई थी क्यों हुई थी ये सब कुछ भी आप बता सकते थे मुझे लगता था ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कि आपको क्यों ना ये चीज़ें पढ़ाई जाएँ पहले कुछ पूछने से अच्छा आप क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें अभी पता नहीं है ओके लेट्स गो टू ट्वेल्थ क्वेश्चन बारहवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इफॉर्मेशन गेन कीजिएगा बेटा अभी आपको समझ में आ चुका है कि इसमें क्या क्या चीज़ें और जानने लायक है तो उसको भी गैदर कीजिएगा देन इट इज़ कंसिडर्ड एज दी कम्प्लीट नॉलेज क्योंकि आप लोग क्विज फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं इसलिए हम क्विज फॉर्मेट में बता रहे हैं लेकिन साथ ही साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे करके कम से कम अपनी जो पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो इट इज़ अ बैलेंस आप ये मत कहिएगा कि सर क्वेश्चन के आंसर फटाफट बताइए और इसको को समाप्त कीजिए ऐसा काफ़ी बच्चे कह सकते हैं नए बच्चे जो जुड़े हैं उनमें से अक्सर वो लोग कहते हैं द पर्पज इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज ओके हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग अभी पीछे बॉक्सिंग की बात की थी अब आपको बताने रेसलिंग में फर्स्ट ओलंपिक मेडल किस भारतीय पुरुष ने जीता था योगेश्वर दत्त सुशील कुमार बजरंग पुनिया या के डी जाधव दीज आर द नेम्स क्वेश्चन गेट अवार्ड इन थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री कह रहे उत्कर्ष नहीं तब नहीं जीता था उन्होंने आर्मी शायद जॉइन की अच्छा सैयद अफरी नाइनटीन फोर्टीन ही बॉन ठीक है पीछे सैयद का नाम भी लिख ले तो पीछे नहीं लिखा यहाँ लिख लेता हूँ ओके ये पिछले क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है सैयद तो अफरीद ने जो आंसर दिया है ट्वेल्थ क्वेश्चन का नरेंद्र प्रसाद का कहना है ए योगेश्वर दत्त इज़ द राइट आंसर शुभम का भी यही कहना है योम का भी यही कहना है जबकि अनिरुद्ध एडिट्स कहते हैं ट्वेल्थ का डी और ये बिल्कुल सही कहते हैं के डी जाधव इज़ द राइट आंसर रेसलिंग में इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल ये लेकर के आए थे और अनिरुद्ध के नाम जाता है ये क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर ट्वेल्थ का डी इसके अलावा उत्कर्ष ने भी बताया है करिश्मा राज ये जो जुड़ी हैं इन्होंने भी बताया है भावेश सिंह रावत ने 1952 लिखा है उम्मीद करता हूँ आप इसमें थोड़ी सी बेहतर तरीके से और इंफॉर्मेशन देंगे सिर्फ 1952 फिफ्टी टू लिख करके आप नहीं जाएंगे बिकॉज ये तो मैंने अनुमान लगा लिया है तब जीता उन्होंने ओलंपिक 1952 में तो भावेश ने सबसे पहले बताया इनका नाम भी लिख लेते हैं इनके अलावा सैयद अफरीद ने भी आंसर बताया था उत्कर्ष ने भी बताया था उत्कर्ष कहते हैं ही गॉट ब्रांज मेडल तो उत्कर्ष का भी यहाँ पर नाम लिखना ठीक है और सर के डी का पूरा नाम कसा हब्बा दादा साहब जादव था बिल्कुल सही है तो नरेंद्र का भी यहाँ पर नाम लिख लेते हैं और बताइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए एक इन्फॉर्मेशन रह गई है अगर आप ध्यान दें तो करिश्मा राज आप बार बार अलग अलग अच्छा ट्वेल्थ का डी आपने बता दिया आपका नाम मैंने ले लिया गेम गेमिंग विद इशू ने भी बता दिया है श्रेयन तो, अनिद तो कैसी बातें कर रहे हो नाइनटीन फिफ्टी टू ये भी तो बताना चाहिए था आपने हेलसिंकी में हुए थे आई थिंक हेलसिंकी ओलंपिक्स का ये हिस्सा है अब हेलसिंकी सिंक कहाँ है ये बताइए किस कंट्री में तो तब आपका नाम भी आ सकता है जो सबसे पहले बताएगा चलो अक्विज़ विद इन क्विज 1952 कोई बच्चा नहीं था जिसने कहा कि सर हेल सिंह की ओलम्पिक्स में उन्होंने मेडल जीता उनका नाम लिख लेता मैं अब हेल की ओलंपिक नहीं बताया तो बताओ हेल की है किस देश में सर तो स्टार लगा दो कह रहे नरेंद्र लो बेटा मांग करके अगर स्टार चाहिए तो लो खुद से मैं देता तो शायद बेटर रहता लेकिन नरेंद्र की कुछ छाएँ ऐसी हैं जो काफ़ी बचकानी लगती हैं सुशील कुमार बॉर्न ऑन ट्वेंटी अब ठीक है हेलसिंकी वाला आंसर किसी ने नहीं दिया है अभी तक ठीक है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं तो ढूंढ रहे होंगे अभी सभी बच्चे फिनलैंड भावेश ने दिया भाई सबसे पहले और अश्वती ने दिया है भावेश का नाम यहाँ लिखा है चलो अश्वती ने भी एट द सेम टाइम आंसर दिया था तो अश्वति का भी लिख लेते हैं ऐसे लिखे जाते हैं नरेंद्र प्रसाद जी नाम जब कोई बच्चा कुछ नहीं कहता है लेकिन हमें लगता है कि वो अच्छा एफर्ट कर रहा है तो वो नजर में रहता है उसका नाम खुद लिख दिया जाता है लेकिन जो बच्चा हमेशा पूछता रहता है कि सर मुझे कब दोगे स्टार मुझे कब दोगे तो इट इट इज अ काइंड ऑफ हेडेक तो ऐसा हेडेक नहीं होना चाहिए बेटा थर्टींथ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं <coughs> मेरे ख्याल से ट्वेंटी क्वेश्चन है आज <coughs> और जरूरी लगेंगे तो फिर ले आएंगे आपके सामने वो वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द नोबल प्राइज इन मेडिसिन Nobel Prize जीता लेकिन Medicine के field में सबसे पहली बार किसने जीता भारत की तरफ से उनका नाम बताना है अमर्त्य सेन वेंकट रमन रामाकृष्णन हरगोविंद खुराना एंड रोनल्ड रॉस ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही जवाब ढूंढ करके आपको आंसर देना है मेडिसिन के फील्ड में पहली बार नोबल प्राइज किसने जीता थर्टीन का यहाँ पर बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है गेमिंग विथ इशू ने भी पिछले क्वेश्चन का सही जवाब दिया था अलंकृता ने आंसर डिलीट किया है अलंकृता दूसरा आंसर ना दें प्लीज़ मैंने देख लिया है नरेंद्र प्रसाद का कहना है बी ओके सही जवाब दिया है श्रेयन ने सबसे पहले हरगोविंद खुराना इज द राइट आंसर तो ये जाता है श्रेयन के नाम तो ये तो हो गया भाई आंसर देने का काम अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर जुटाइएगा अनिरुद्ध तो इस तरीके की बात करोगे तो चैट से बाहर कर दूँगा किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके की वाहियात बातें मत कीजिए ये अपने अपनी पर्सनैलिटी क्यों शो करवा रहे हो दूसरे दूसरे से लड़ने का भी एक तरीका होता है आप उससे आर्ग्यूमेंट करो लेकिन ये क्या बोल रहे हो आप यहाँ पर अनिरुद्ध तो एडिट्स बहुत ज़्यादा आप अपनी इज्जत खो रहे हो ऐसी बातें करके भावेश सिंह रावत ने भी सही जवाब दिया है अलंकृता शर्मा आपने आंसर बदला है मैंने आपका देख लिया था पहले आपने कमेंट डिलीट किया सो दिस इज़ नॉट गुड ऑनेस्टली काम करो मुझे डिसऑनेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं आती बच्चों की इतनी कम उम्र में आप इस तरीके की हरकतें करते हैं तो ये बहुत कुछ शो करता है आपके बारे में वरदान ने सही जवाब दिया है चंद्र मोहन नाम से अनुष्का फिर से आ चुकी हैं बहुत पहले से हमारे साथ जुड़ी रहती थी बीच में नहीं आ रही थी अनुष्का वेलकम टू द स्ट्रीम सैयद अफरीद ने भी सही जवाब दिया है और करिश्मा अच्छा भावेश सिंह रावत का कहना है 1968 और यस दिस इज एन अनदर इन्फॉर्मेशन तो हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था भाई नोबेल तो ये जाता है भावेश के नाम भावेश लगातार कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं तो उनको स्टार दे दिया जाता है उत्कर्ष ने सही जवाब दिया विस्ट गेमर ने सही जवाब दिया करिश्मा राज ने लगातार करिश्मा राज नाम से जो भी जुड़े हैं वो पता नहीं क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं अभी थर्टीन का ए बी सी सब बोल दो फिर बेटा वही वाली हरकत कर रहे हो आप भी ओके अनुष्का ने भी सही जवाब दिया है ही वज इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं शुभ मोम के वेरी रॉन्ग बेटा मेडिसिन की बात कर रहे हैं हरगोविंद खुराना जी के बारे में गलत दे रहे हो आप चीटिंग नहीं की गलती से गलत लिख दिया था अच्छा तो जब गलती से गलत लिख दिया ना तो यही तो हम प्रूव करें आप अपनी नर्व से कितना कंट्रोल करते हो गलती से गलत टाइप हो गया तो उसको फिर बियर करो ना एक्सेप्ट करो व्हाई यू वांट टू चेंज योर आंसर आपको पता है अंदर से अगर आपने गलत किया है तो कोई नहीं आंसर तो पता चल गया है ये परफॉर्मेंस को मत दिखाओ ना यहाँ पर ऐसे अमृत सेन इज़ फेमस फॉर नरेंद्र प्रसाद और अमृत सेन जी के बारे में बता रहे हैं लेकिन ठीक है चलो 1998 शुभम गलत बात है सर आई एम बैक करें बीच गेमर ठीक है हरगोविंद खुराना नाइन्थ जनवरी नाइनटीन टू नाइन नवंबर टू थाउजेंडन वॉज एन इंडियन अमेरिकन बायो केमिस्ट वाइल ऑन द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन मेडिसन शेयर द नाइनटीन सिक्सटी एट नोबल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी तो अच्छी बात है इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं हालांकि कट कॉपी पेस्ट भी चल रहा है मुझे मालूम है लेकिन ठीक है बच्चे कम से कम कुछ नॉलेज तो गेन कर रहे हैं जिस भी तरीके से करें करिश्मा का नाम यहाँ पर ठीक है ई बिलोंग्स टू मुल्तान पंजाब कह रहे हैं ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा सर प्लीज़ राइट माय नेम इज़ अफरीद अच्छा अच्छा सैयद अफरीद आपने अगर कुछ दिया होगा तो अब अगली बार आपका नाम लिखूँगा मैं उत्कर्ष का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा आज हम देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन को एक इन्फॉर्मेटिव सेक्शन बनाओ ना आप लोग आपस में सर मेरा नाम नहीं लिखा तू लड़का है या लड़की इस तरह की फालतू बातें क्यों करते हो क्वालिटी इंप्रूव करो अपनी अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो अच्छे कॉमेंट करो जैसे देखो यहाँ पर कोई भी बच्चा हो जैसे नरेंद्र अमर ते इनके बारे में ही बता रहे तो ऑप्शन में है ना वो बता रहे हैं ये होना चाहिए कॉमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नॉलेज मिलनी चाहिए फालतू की बातें क्या मिलेगा आपको ये सब करके आप अपने प्रेशियस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं नरिंद ने, ने चलो ऑप्शन से रिलेटेड एक इंसान के बारे में बताया तो ठीक है उनका भी हम जोड़ देते हैं करिश्मा ने गूगल से कॉपी किया तो आप भी कर लो ना गूगल से कॉपी एटलीस्ट अब एक टाइम पे इतनी जल्दी कौन करेगा आंसर गूगल से कॉपी किया कुछ तो पढ़ा होगा कुछ तो दिमाग में आया होगा उससे ठीक है अब इनफ मैं आपको ज़्यादा वहाँ पर प्रीच नहीं करूँगा जो मैंने समझाना था समझा लिया अब जिस तरीके से नाम लिखूंगा आप समझ जाओगे क्यों लिख रहा हूँ फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फर्स्ट इंडियन मेल टू रिसीव पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है तो पहले भारतीय पुरुष कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था इसका आंसर बताइए ठीक है अनिरु एडिट्स आपकी बात में समझ गया चलो अभी से अपनी याद रखिएगा कि आपके हैंडल से आपका भाई ना करे नरेंद्र प्रसाद ने दिया है फोर्टीनथ का ए प्रियन ने कहा है बी प्रधान ने कहा है ए भावेश ने कहा है डी अनिरुद्ध ने कहा है बी ठीक है सैयद अफरीद इन्होंने भी है लड्डू गोपाल जी नाम से भी जुड़ चुके हैं ठीक है सो फर्स्ट राइट आंसर इज गिवन बाय बाईन अनदर देन भावेश इनको मैंने दे दिया था शायद स्टार्म उसके बाद सही जवाब देने वाले में उत्कर्ष का नाम है वेरी गुड चलो फोर्टीन का ये आंसर है सत्येंद्र बोस जी को मिला था फर्स्ट पद्म विभूषण या तब पद्म अवार्ड्स के तौर पर ही था वो धीरे धीरे उसको फिर प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद से पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्मश्री इस तरीके से डिवाइड किया गया जिसमें पद्म विभूषण सबसे ऊपर है पद्म अवार्ड्स में पद्म भूषण उसके बाद है और पद्मश्री उसके बाद है ठीक है तो ये उस दौरान पद्म अवार्ड मिला था तो पद्म विभूषण भी कह सकते हैं कब मिला था ये भी बता दोगे तो आंसर फिर कुछ मज़ा आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सेकेंड हाईएस्ट है ठीक है ये तो लिखा हुआ है श्रेयन थर्ड पद्म भूषण है श्रेयन कह रहे हैं तो चलो श्रेयन का नाम भी लिख लेते हैं मैंने अभी बताया वो भी श्रेयन ने कमेंट में लिखा है आई होप मुझसे पहले लिख लिया होगा उत्कर्ष ने कहा है नाइनटीन फिफ्टी फोर वेरी गुड उत्कर्ष तो इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी फोर ही गॉट दिस अवार्ड ओके फर्स्ट पदमा अवॉर्ड सही तफ्री थोड़ा लेट हो गया आप वॉज अ फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हावेश नहीं बोला है तो ठीक है मुरारजी देसाई के बारे में कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट पॉलिटिशन फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979 ओके वेल डन नरेंद्र मुरारजी देसाई मुरे ने एक ट्रिक ढूंढ लिया उन्होंने कहा चलो आंसर नहीं दे पाऊंगा तो किसी ना किसी ऑप्शन के बारे में जानकारी दे दूँगा ठीक है करिश्मा राज ने भी जानकारी है आप लोग पढ़िएगा बहुत कुछ लिखा है तो करिश्मा थैंक यू उसके अलावा शुभम अम्बदास सिल्के ने भी कुछ कहा है तो ज़रूर आप उसको भी पढ़िए देखो वैसे नहीं पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ लो अश्वती कहती है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज़ परमवीर चक्र तो चलो अब अश्वती का भी नाम लिख दे लेकिन रैंडम फैक्ट मत दे देना इधर हाँ अभी अवार्ड्स की बात हो रही है तो चलो मान लेता हूँ मैं ठीक है रिलेटेड टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द आंसर आंसर में जो ऑप्शन है सबसे पहले वो बताओ तब अच्छी बात है फिर कुछ ऑप्शन के बारे में बताना है तो बता सकते हो मतलब इसको कितना डाइग्रेस करोगे इतना मत करना एकदम से आप कहते हो इंडिया इज अ बिग कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है क्योंकि अवार्ड इंडिया में दिए जाते हैं तो इंडिया के बारे में बता रहे हैं ऐसा भी मत कर देना फिफ्टीथ क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पहली बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किस इंडियन मेल स्पोर्ट्स पर्सन को मिला था यह आपको बताना है इनमें नाम सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ विराट कोहली और कपिल देव के दिए हुए हैं तो so, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है तो नरेंद्र प्रसाद ने कहा है सचिन ट्रेन ने कहा है कपिल देव फिर नरेंद्र प्रसाद ने कहा है विराट कोहली देखो नरेंद्र प्रसाद अब आपका नाम नहीं लिखते हैं तो क्यों नहीं लिखते हैं सब कमेंट डिलीट करके दोबारा लिखने में लगे हुए हैं बहुत बुरी बात है भाई तो खैर फिफ्टीन uh, का बी राहुल द्रविड इज द राइट आंसर जो कि अलंकृता शर्मा नाम से जो हमसे जुड़े उन्होंने दिया है इस क्वेश्चन गोज टू हर उमल शर्मा नाम से फिर से अनुष्का ज्वाइन कर चुकी हैं चलो अनुष्का वेरी गुड ओके सो राइट आंसर आपको पता है राहुल द्रविड़ है और इसके अलावा जो बच्चे कपिल देव कह रहे वो नहीं है सचिन को 2010 में मिला था ठीक है उत्कर्ष ने एक, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी सचिन तेंदुलकर को कब मिला था इन द ईयर 2010 में मिला था फर्स्ट राहुल द्रविड़ को मिला था है ना तो शुभम मोहम्मदास शेलके ने वो भी बता दिया कि राहुल द्रविड़ को कौन से साल में मिला था इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी है द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन द अवार्ड वॉज राहुल द्रविड़ हु अचीव द फियट एट द इनागरल आई सी सी अवार्ड टू थाउजेंड फोर तो पहली बार जब आई सी सी ने इस तरीके के अवार्ड देने शुरू किए तब राहुल द्रविड़ को ही मिला था नितिन तेंदुलकर की बायोग्राफी लिखी है नरेंद्र प्रसाद ने देख लीजिएगा आप लोग हाँ करिश्मा राज ने कहा है निकनेम उनका वॉल था डायरेक्ट आपके आंसर से रिलेटेड है तो इसलिए करिश्मा का भी नाम लिख लेते हैं नरेंद्र प्रसाद का भी लिख लेते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्वेश्चन द द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन फॉर जर्नलिज्म ये हम बता चुके हैं लेकिन आप लोगों के सामने फिर से है पुलिजर प्राइज पहली बार किसी इंडियन मेल को फॉर जर्नलिज्म किसे मिला था जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता एक तरीके की आप रिपोर्टिंग करते हैं आप किसी भी इवेंट के बारे में ठीक ठीक इंफॉर्मेशन पूरी जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं या कभी कभी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी खास चीज़ में उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके के काम को जर्नलिज्म कहा जाता है जिसे आप आमतौर पर पत्रकारिता भी कहते हैं जर्नलिज्म के फील्ड में पहली बार किसी इंडियन मेल को पुलजर प्राइज़ मिला था वो कौन थे उनका नाम आपको बताना है चेतन भगत विकास स्वरूप सिद्धार्थ मुखर्जी और गोविंद बिहारी लाल दीज आर नेम्स बताइए कौन है तो सिक्सटीन का काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया नरेंद्र ने दिया है सब ने दिया है लेकिन सही जवाब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिक्सटीन का सी सिक्सटीन का बी सिक्सटीन का ए सब ने दे दिया सिक्सटीन का डी इज़ द राइट आंसर बेटा गोविंद बिहारी इन लाल इनको इन्होंने दिया था ये आंसर हमें मिला है उत्कर्ष की तरफ से बहुत लेट लेकिन सही जवाब चलिए अगले क्वेश्चन पे जाए या फिर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं करिए मैं ही बता देता हूँ सिद्धार्थ मुखर्जी इज नॉट द राइट आंसर इन दर नाइनटीन थर्टी सेवन में चेक कर लीजिएगा एक बार इस फैक्ट को शायद उन्हें नाइनटीन थर्टी सेवन में पुलिस जर प्राइज मिला था आगे बढ़ता हूँ सेवनटीन क्वेश्चन में काफ़ी लंबा समय बीत चुका है ट्वेंटी वन पीपल आर लाइव राइट नाउ ओनली टेन लाइक्स विच आई कैन सी मुझे लगता है आप सभी लोग लाइक करने के इच्छुक नहीं है लेकिन मेरे मेरा फर्ज है बार बार आपको लाइक करने के लिए प्रेरित करूँगा हो सके तो कर दीजिएगा ठीक है सेवनटीन क्वेश्चन है हु आज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन द फील्ड हॉकी तो फील्ड हॉकी के क्षेत्र में भाई ओलंपिक जीतने वाले व्यक्तियों का नाम बताना है आपको पहली बार किसने जीता था बहुत आसान सा सवाल है सैयद अफरीद ने पिछली बार नाइनटीन थर्टी सेवन आंसर दिया था अच्छा चलो सैयद अफरीद का नाम लिख लेते हैं अफरीद में आपने डबल ई लिखा है मगर आप कह रहे थे मेरा नाम जो है तब आप ए एफ आर आई डी कह रहे थे तो सैयद के नाम ही गया एक्स्ट्रा इंफॉमेशन उन्होंने दिया अनुष्का ने भी दी थी Uh, इसके अलावा uh, करिश्मा ने भी दी है अनुष्का ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो अफरीद पहले दे चुके हैं इसलिए उनका नाम तो नहीं लिख पाऊँगा करिश्मा का लिख लेता हूँ ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम सेवनटीन का सबसे पहले अभीष्ट कीमर ने सही जवाब दे दिया है तो अभीष्ट के नाम ही जाता है अब जानते हैं मेजर uh, ध्यानचंद के बारे में है ना थोड़ा अभीष्ट के नाम में ओ, -ओ पूरा ही ट्रिकी हो गया है तो ए बी एच ई एस एच टी हम्म अश्वती ने सही जवाब दिया है सैयद अफरीद ने सही जवाब दिया है नरेंद्र प्रसाद ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया वो हो बहुत बुरी बात है भाई ये तो बहुत आसान सा सवाल था अलंकृता ने सही जवाब दिया है श्रेयन ने सही जवाब दिया है गोविंद बिहारी लाल के बारे में नरेंद्र प्रसाद बता रहे हैं वो पहले बता चुके हैं बच्चे सुभाष तो वर्मा ने सही दिया है अनिरुद्ध ने आंसर दिया है कोमल शर्मा नाम से अनुष्का है शायद उन्होंने भी सही जवाब दिया है करिश्मा राज ने सही जवाब दिया है और ध्यानचंद इज़ कॉल्ड मैजिशियन ऑफ हॉकी ठीक है लेकिन इसके लिए नाम नहीं लिखा जाएगा ये तो बहुत कॉमन uh, टर्म आपने बोल दिया मैजिशियन के बजाय अगर आप एक खास वर्ड जिसके जो जो उनके लिए कहा जाता है वो बोलते तो शायद मैं आपका नाम लिख लेता अनिरुद्ध हॉकी का जादूगर कह रही हैं अलंकृता शर्मा तो द राइट वर्ड दैट इज़ यूज फॉर ध्यानचंद इज़ विजार्ड ऑफ हॉकी जो कि जादूगर ही होता है एक तरीके से लेकिन दिस द करेक्ट वर्ड चलो आप में से अनिरुद्ध और करिश्मा आंसर दिया था नहीं अनिरुद्ध और अलंकृता ने दिया तो कोई बात नहीं आपने कुछ तो लिखा याद रखिएगा विजार्ड वर्ड यूज़ कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाएगा ठीक है आप दोनों का नाम भी लिख लेता हूँ और कुछ चलो ठीक है तो ध्यानचंद जी ने 1928 में पहली बार गोल्ड मेडल जिताया था इंडिया को उसके बाद दो बार और जिताया है अपनी कैप्टनसी में सेवनटीन के बाद पहुंचते हैं एटीन में हु द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन शूटिंग तो शूटिंग में सबसे पहली बार किसने जीता भाई मेडल ये ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं <coughs> देखता हूँ इसका कौन देता है फटाफट से आंसर ओके okay, उत्कर्ष का फॉर्म आ गया रे एम का वेरी गुड एटीन का नरेंद्र का कहना है बी बिल्कुल सही कहना है अभिनव बिंद्रा इज़ द राइट आंसर और चलिए इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अनदर लैंग्वेज तो मैं बता देता हूँ टू में बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने ये कारनामा कर लिखाया था इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉमेशन देने की अभी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दीजिएगा अगले क्वेश्चन में नरेंद्र ने इसका सही जवाब दिया है ओके महात्मा की क्वेश्चन में हुआ इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन टेनिस अब टेनिस के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय कौन थे या फर्स्ट इंडियन मेल कौन थे जिन्होंने मेडल जीता है ये है, कुछ क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है नाइनटीन क्वेश्चन है ऑप्शन हैं लियंडर पेस महेश भूपति रोहन भोपन्ना एंड सुमित नागल 18 का पीछे बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं और सही जवाब है श्रेयन ने दिए हैं अनिरुद्ध ने दिए हैं अनुष्का ने दिए हैं अभीष ने दिए हैं करिश्मा ने दिए हैं भावेश ने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है पिछले क्वेश्चन में तो चलो यहाँ पर आपका नाम लिख लेता हूँ भावेश ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है और चलिए नाइनटीन का जवाब देखते हैं कितने वचन दिया है नरेंद्र प्रसाद कहते हैं नाइनटीन का सी ब्रोहन बोपन्ना अनिरुद्ध भी यही कहते हैं श्रेयन का कहना है महेश भूपति वेरी गुड चलो कुछ कुछ तो आप बता रहे हो नाइनटीन्थ का किसी भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया भाई अभी तक लिंडर पेस इज द राइट आंसर लिंडर पेस ने जीता था मेंस मिक्स डबल इस तरीके का एक आ, इवेंट था उसमें इंडिया की तरफ से मतलब कह सकते हैं मिक्स में इंडियन प्लेयर थे तो फर्स्ट इंडियन हैं वो इन्होंने 1996 में ए टी एल एन टी ए अटलांटा ओलंपिक्स में ये कारनामा कर दिखाया था लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जान लगा दीजिएगा इसमें देखते हैं क्या देते हैं आप जवाब मेल टू विन द्रोणाचार्य अवार्ड इंडिया हाइएस्ट अवार्ड फॉर कोचेज तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो गुरु होते हैं कोच कहते हैं जिन्हें उनको दिया जाने वाला हाइएस्ट अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड फर्स्ट कौन थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था बालचंद्र भास्कर भगत प्रकाश पादुकोण गुरबखक्श सिंह या बिशन सिंह बेदी आंसर दीजिए और देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका सही जवाब उम्मीद करता हूं इस लास्ट क्वेश्चन के समय पर आप लोग मेरी उस अपील का ध्यान रखेंगे जिसके तहत मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि ज़रूर इस स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कहीं लाइक की भी है 19 का आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया वेरी गुड अनुष्का ने पिछले क्वेश्चन का सही जवाब दिया था शुभम अम्बदास सेलके ने दिया था तो पिछले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ एक शुभम है और एक अनुष्का है जरूर आप उनके कॉमेंट्स में भी पढ़िएगा ठीक है नॉलेज भी गेन कीजिएगा ये नहीं कि बस टाइम पास करने आप आ जाए है ना तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें नरेंद्र प्रसाद ने भी आंसर दिया है लेकिन अलंकृता शर्मा ने सबसे पहले सही जवाब दिया भाई तो अलंकृता के नाम जाता है ये क्वेश्चन इस इज द right राइट आंसर बालचंद्र भास्कर भगत इज द राइट आंसर 1985 में इनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था और ये रेसलिंग के गुरु थे मतलब कुश्ती सिखाते थे ओ एल थोड़ा एल और टी में गड़बड़ हो गई ऑन दैट नोट देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है अलंकृता ने ट्वेंटी का ये आंसर दिया था अनिरुद्ध ने दिया करिश्मा ने दिया अभीष्ट ने दिया सुभाष वर्मा नाम से जुड़े हैं उन्होंने भी दिया है अश्वती ने दिया है अनुष्का का नाम ले लिया है मैंने नरेंद्र प्रसाद ने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया फिर वो कहेंगे मेरा नाम नहीं लिखा अनिरुद्ध ने सही दिया है 1985 भावेश ने बोला है ठीक है भावेश नरेंद्र लो बेटा आपके भी नाम लिख लेते हैं क्या आपको मायूस करें लास्ट में जो पर्पज़ था इस क्विज़ का आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा वो आपने समझा होगा उस दिशा में बढ़िएगा क्विज़ में आपके लिए स्किल इसलिए लेके आता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन मेन पर्पस है नॉलेज गेन करना तो वो आप ज़रूर कीजिएगा ठीक है तो सुभाष वर्मा इन्होंने भी कुछ लिखा है अच्छा तो इनका भी नाम लिख लेता हूँ ठीक है चलिए इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा अभी बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी लेट और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट हमारा पसंद आया होगा फिर मिलेंगे आपसे अगले सेगमेंट में इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट डिफेंस ऑफिसर एकेडमी देन दीज आर दी नंबर्स इन विच यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड इफ यू गेट दी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देन यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम प्लीज टाइप इन कैपिटल एट द रेट एट डी और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डिफेंस ऑफिसर अकेडमी नाम से मौजूद हैं चाहे तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में और अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं मैं अपील करूंगा कि वो हमें सब्सक्राइब भी करें और इसी के साथ आपसे आज के सेशन की अलविदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ टिल देन बी हैप्पी रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड ऑल द बेस्ट टेक केयर एंड बाय बाय